सरकार की मंशा ये साफ है, अगर कि उनकी मंशा ये है कि वो लोग इस देश के अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जिसकी बदौलत ये सरकार बनी है, जनता उन सरकार को और ऐसे तानाशाहियों को भी तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। इस बात को समझना पड़ेगा सरकार को, इसकी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप देखिए कि बिहार का एक नेता सिर्फ उन इलाकों में अपनी पदयात्रा को निकाल रहा है जहां संख्या बहुसंख्यक जो है वहां पर मुसलमान है। जागरूकता रैली निकाल करके सरकार और सत्ता में बैठे लोग ये साफ ये बता रहे हैं कि वो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश की एकता को, इस प्रदेश की खूबसूरती को वो तोड़ना चाहते हैं। और सत्ता में बैठी नीतीश सरकार जो ये हमेशा ये कहती है कि हम इस देश में अमन परस्त लोग हैं, जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम तो जो सेकुलर हैं, तो सेकुलर का ढांचा नीतीश कुमार को अब हटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार सब ये सवाल पूछ रहे हैं इस प्रदेश के मुसलमान कि आपके प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, आपके प्रदेश में एक ऐसा नेता निकलने को तैयार है जो इस प्रदेश की अमन और शांति को भंग करना चाहता है, आप उसके ऊपर क्या रोक लगा रहे हैं? आप ऐसे पदयात्रा को रोकने के लिए आपका क्यों नहीं बयान आ रहा है? आप क्यों नहीं ये बात कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बैठी सरकार ऐसे बयानबाजों नेताओं को जो संरक्षण दे रही है, ऐसे नेताओं को संरक्षण नहीं देना चाहिए? सिर्फ चुनाव के टाइम पर मुसलमानों के ऊपर ये काम, मुसलमानों के ऊपर ये एहसान, ये गिनाने सब नहीं चलेगा। अब मुसलमानों को ये बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के हक अधिकार के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर मुसलमानों के सभ्यता और असभ्यता के साथ, सम्मान के साथ कोई छलकानी कर रहा है, तो आप उसके ऊपर कितना जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा।